मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे सुनी श्रोता बहुत कम मिलते हैं, और श्रोताओं की या कवियों की संख्या का कोई महत्व होता नहीं है, गुणवत्ता का महत्व होता है। श्रोता एक भी अच्छा है और हजारों की भीड़ बेकार है। यहाँ आप अच्छी कविता को सुना रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले चार पंक्तियां उस शक्ति को, माँ शारदा को समर्पित है चार पंक्तियां। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग वो चार पंक्तियां लिख पाते हैं। वैसे मैं मूलतः गजलकार हूँ, लेकिन देश प्रेम, क्योंकि देश प्रेम की सख्त जरूरत है देश को, इसलिए देश प्रेम भी लिखता हूँ। तो आप लोगों ने काफी देर से झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, थोड़ी देर के लिए ये दीजिए 10-5 मिनट। चार पंक्तियां माँ सरस्वती को, कि कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत घोल देता है, और असंभव कुछ नहीं सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के रहते, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है। और चार पंक्तियां आप सबके लिए, कि काव्य मदिरा का मजा लेते रहे, काव्य मदिरा का मजा लेते रहे, झूमिए पर दाग भी देते रहे, काव्य मदिरा का मजा लेते रहे, झूमिए पर दाग भी देते रहे, आह हो कुछ वाह हो या तालियां, आप जीवित हैं पता देते रहे। आप लोगों ने जीवित होने का प्रमाण दे दिया है, ऐसे ज्योतिले लोग उनकी जरूरत है। देखिए देश प्रेम के कुछ मुक्तक, हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, और न जन्नत का मुझको चमन चाहिए, और देने वाले अगर मुझको देना है तो हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए, हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। और चार पंक्तियां और देखिए देश के नाम, कि हिंदू मुस्लिम है हम, सिख ईसाई हैं, हिंदू मुस्लिम है हम, सिख ईसाई हैं हम, देश के वास्ते भाई भाई हैं हम, और गाय के हम पुजारी भले हों मगर देश खतरे में हो तो कसाई हैं हम, देश खतरे में हो तो कसाई हैं हम। और ये चार पंक्तियां और देखिए, उन वीरों के नाम जो सीमाओं पर अपनी जान दे रहे हैं, उनके कारण देश बचा हुआ है, उन सैनिकों के नाम की चार पंक्तियां देखिए, कि लुटाकर ज्ञान दिखाया है जिन्होंने बागपन यारो, लुटाकर ज्ञान दिखाया है जिन्होंने बागपन यारो, हमारा फर्ज है दिल से करें उनको नमन यारो, बहुत अच्छा, लुटाकर ज्ञान दिखाया है जिन्होंने बागपन यारो, हमारा फर्ज है दिल से करें उनको नमन यारो, और सभी को जाना है एक दिन, सभी को मौत आनी है मगर सबको नहीं मिलता तिरंगे का कफन यारो, मगर सबको नहीं मिलता तिरंगे का कफन यारो। और चार पंक्तियां और देखिए देश के नाम, कि अपना चमन मिले मुझे गंगो जमन मिले, अपना चमन मिले मुझे गंगो जमन मिले, मैयत को मेरी चाहे न कोई कफन मिले, लेकिन है आरजू यही दुनिया के बादशाह, मरने के बाद मुझको ये खाके वतन मिले, मरने के बाद मुझको ये खाके वतन मिले। और सीमा पर जो देश के जवान जड़े हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम अंग्रेज पीछे सब हैं, और वो उनका मकसद एक ही है कि भारत माता की रक्षा करनी है। और एक सैनिक क्या सोचता है, चार पंक्तियों को देखिए मैंने उनके, कि मुझे संशय नहीं होगा न कोई भी भरम होगा, मुझे संशय नहीं होगा न कोई भी भरम होगा, ख्यालों में कोई मिट्टी न पत्थर का सनम होगा, और रखूंगा प्राण के पुष्पों को जिस पर माँ के चरणों में, मेरे होठों पे उसको सिर्फ वंदे मातरम होगा, मेरे होठों पे उसको सिर्फ वंदे मातरम होगा। देश को दरअसल आजकल आशिकों की सख्त जरूरत है, और आशिक कैसा हो जो अपने महबूब से ये कह सके कि मेरे महबूब तुझ पे प्यार में लुटाऊंगा, मेरे महबूब तुझ पे प्यार में लुटाऊंगा, तेरी खातिर में जमाने को भूल जाऊंगा, और खुद को भी याद न रखूंगा मैं तेरे आगे, देश के आगे मगर तुझको भूल जाऊंगा, देश के आगे मगर तुझको भूल जाऊंगा। और दो तीन कवि देश प्रेम सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भूल जहां, मेरा देश महका हुआ सा उद्यान है, और ज्ञान का ये दान सारी दुनिया को दे रहा है,
सदियों से मेरा देश विद्याओं की खान है और फूलों की तो छोड़िए हमारे उपमन में लोकाट के पीछे हेरों पे खिली मुस्कान है और गर्व से ये कहता हूँ सारे संसार से भारत महान था वे भारत महान है भारत महान था वे भारत महान है। ये कभी तो देखिए कि आजादी के मत वाले मिटने को निकले हैं आंखों में सजाए हुए सपन तिरंगे का और माता भारती का शीश झुकने न पाए कभी वीरों ने निभाया है ये वचन तिरंगे का और ख्वाहिश तमन्नाएं कितनी है दिल में सबसे है भारी पर वजन तिरंगे का और करते हैं आज ईश्वर से ये प्रार्थना काश मिल जाए हमें कफन तिरंगे का काश मिल जाए हमें कफन तिरंगे का। और ये कभी यहाँ पे महिलाएं बहुत हैं, एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग आज के युग में हुआ है अल्ट्रासोनोग्राफी उसी को समर्पित है कभी देखिए। आजादी की लड़ाई को शुरू कौन करता जो नन्ही मनु झांसी वाली रानी नहीं होती तो और गार्गी अहिल्या सीता सावित्री कहां से होती राधा मीरा कृष्ण की दीवानी नहीं होती तो और इंदिरा बछेंद्री की रण बेदी कल्पना को याद कौन करता कहानी नहीं होती तो और कोख में लोपड़ी बेटी माँ से पूछती है देखो तुम कहाँ होती गर नानी नहीं होती तो और एक गीत अभी कल होली गई है होली के बाद का एक गीत गजल की शेर सुनाऊंगा एक गीत थोड़ा सुन लीजिए कि मनुहार भी गई वो ठिठोली चली गई मनुहार भी गई वो ठिठोली चली गई कब आके अब के साल की होली चली गई कब आके अब के साल की होली चली गई। बंदी की लौटेगा अब के साल अमन सोचते रहे बदलेगा आदमी का चलन सोचते रहे फूलों से भर उठेगा चमन सोचते रहे कांटों से भर दी अपनी तो झोली चली गई कब आके अब के साल की होली चली गई। अपने लहू से लोगों ने खेली थी होलियां जब जलिया वाला बाग में खाई थी गोलियां फिर भी शहीद होने को जाती थी टोलियां जाने कहां वो वीरों की टोली चली गई कब आके अब के साल की होली चली गई। अब देश प्रेम को भी ख्याली बना दिया नारा कभी कभी इसे ताली बना दिया अब तो बसंती रंग को गाली बना दिया कुर्बानियों की खाली ही डोली चली गई कब आके अब के साल की होली चली गई। भगवान सुनने को मिला चीखें सुनाई दी हर ओर बेगुनाहों की लाशें दिखाई दी इंसानियत की आहें कराहें सुनाई दी किस किस को चीरती हुई गोली चली गई कब आके अब के साल की होली चली गई। लेते हैं बेगुनाहों की ये जान सिर फिरे इसको जिहाद कहते हैं शैतान सिर फिरे मजहब को नहीं समझे हैं नादान सिर फिरे बेकार सूफी संतों की बोली चली गई कब आके अब के साल की होली चली। अंतिम बंदे के कभी कभी निराश नहीं होता है अंतिम पंक्ति देखिए एक दिन तो खत्म होगा ये दहशत का दौर भी दुनिया में फिर चलेगा मोहब्बत का दौर भी इंसानियत के साथ इबादत का दौर भी मुझसे ये कहते बच्चों की टोली चली गई वैसे मूलतः मैं गजलकार हूँ कुछ शेर गजलों की सुन लीजिए दो चार से एक चार पंक्ति देखिए अभी अपने लिए तो करने की फुर्सत नहीं मिली
अपने लिए तो करने की फुर्सत नहीं मिली, ताऊ में हमको मरने की फुर्सत नहीं मिली, और खुद ही से हमने दुश्मनी इतनी निभाई है औरों से बैर करने की फुर्सत नहीं मिली, औरों से बैर करने की फुर्सत। और चार पंक्ति देखिए, देश में आजकल हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, बड़ी विडंबना है, बड़ा एक दर्द है कि भले माँ बाप खुद के वास्ते मर मर के जीते हैं, भले माँ बाप खुद के वास्ते मर मर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर कर के जीते हैं, और खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर डर के जीते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात। जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर डर के जीते हैं, पर एक का मतलब कि सभी पैसे के रिश्ते हैं, सभी मतलब के हैं नाते, सभी पैसे के रिश्ते हैं, सभी मतलब के हैं नाते, यही नादान दिल को बात हम रहते हैं समझाते, और कभी जो शेर के भी दांत गिन लेते थे वो बच्चे नहीं माउस के ही चंगुल से अब आजाद हो पाते। और एक जगह लाइक को शेयर सुन लीजिए कि मुझको क्या उनके हाथ को सही पत्थर नहीं मिला, क्या उनके हाथ को सही पत्थर नहीं मिला, या मेरे सर से वार बराबर नहीं मिला, क्या उनके हाथ को सही पत्थर नहीं मिला, या मेरे सर से वार बराबर नहीं मिला, और वो बेमकान लोगों से भी बदनसीब हैं जिनको मिला मकान मगर घर नहीं मिला। वो बेमकान लोगों से भी बदनसीब हैं जिनको मिला मकान मगर घर नहीं मिला, और ईमान बस उन्हीं के सलामत है मुल्क में जिनको की बेईमानी का अवसर नहीं मिला, जिनको की बेईमानी का अवसर नहीं मिला। और एक का मतदार को शेर सुन लीजिए, ये शेर मेरी पहचान है, ये शेर अब शायद याद रखें, यू सबके सामने मेरी उड़ान कुछ नहीं, बड़े बड़े शायर, यू सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहो तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। यू सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहो तो फिर आसमान कुछ भी नहीं, और बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चले, बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चले, गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं, गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं, और मिलूं जो उससे तो सर शान से झुका के मिलूं, मेरे लिए जमाने की शान कुछ भी नहीं। और छोटी शेर में शायर क्या करता, देखिए कि दर्द को मैं जुबान देता हूं, जुबान यानी भाषा देता हूं, शब्द देता हूं, दर्द को मैं जुबान देता हूं, नित नई दास्तान देता हूं, और कल्पनाओं के पंछियों को मैं ये खुला आसमान देता हूं, और ऐ जहां के गमो रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूं, जहां के गमो रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूं, और वो मेरी जान का बना दुश्मन और मैं उसको जान देता हूं, वो मेरी जान का बना दुश्मन और मैं उस पर जान देता हूं, और शामियाना दुआओं का अपनी आप तेरे सर पे तान देता हूं, शामियाना दुआओं का अपनी आप तेरे सर पे तान देता हूं, और जिंदगी तेरी पाठशाला में रोजी के इम्तिहान देता हूं, जिंदगी तेरी पाठशाला में रोजी के इम्तिहान देता हूं, और ख्वाब के खेत भी गए कब के, ख्वाब के खेत भी गए कब के, लेकिन अब तक लगाम देता हूं। आपके खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूं, और मैं जुबान से कभी नहीं फिरता, मैं जुबान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही जुबान देता हूं। मैं जुबान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही जुबान देता हूं। अभी क्रांति जी ने बहुत खूबसूरत रचना सुनाई थी गांव की, मेरी एक गजल है, मेरे सबसे प्रिय गजल है, वो आपको सुनाता हूँ, याद रखिए, आपको शायद गांव की और अपने बचपन की याद आ जाएगी, हर एक को मेरी गारंटी है, आप बचपन में पहुंच जाएंगे, गांव में पहुंच जाएंगे। चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे तो, चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे तो, सभी खुशियां उसे दे दूं कोई बचपन दिला दे, सभी खुशियां उसे दे दूं कोई बचपन दिला दे तो, और सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो, कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो,